कोंकण रेलवे की रूट के ऊपर अगर आप मडगांव रेलवे स्टेशन जो गोवा में है उससे थोड़ा आगे बढ़े तो आपको देखने मिलेगा बाड़ी रेलवे स्टेशन जो काफी रिमोट है, लेकिन यहाँ पर साल 2018 के अप्रैल महीने में शुरू किया गया था कॉनकोर का एक नया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। और इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बनने के कारण गोवा के इस एरिया के आसपास में जो कई सारी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो कानकोना में हो, मारगांव में हो, वरना में, वास्को में या थीवी में, इन सारे अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज के पास की कंपनीज को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने लग गया अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए। और अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा लॉजिस्टिक्स पार्क नहीं है, यहाँ पर अगर सारे के सारे एरियाज को मिला भी दिया जाए वेयर हाउसेस के हिसाब से तो 2500 स्क्वायर मीटर का एरिया ही निकल कर आता है, लेकिन फिर भी इस एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ने यहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प की, क्योंकि यहाँ से ट्रेन सर्विसेज GNPT, GTIL, NSTT इन जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स पे जाती है और ये प्रॉपर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सामान के लिए भी होता है। डोमेस्टिकली ये दिल्ली, फिलौर, लुधियाना, कोयम्बतूर, बाटला, खोदियार, अंकलेश्वर इन जैसे अलग अलग लोकेशंस पे भी कनेक्ट करती है, और अगर कस्टमर डिमांड हो तो कस्टम रूट्स भी चलाए जाते हैं। और इस बड़ी के लॉजिस्टिक पार्क की तरह ही देश भर में आज के डेट में बहुत ज़्यादा ऐसे और पार्क्स बन रहे हैं जो देश की ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे। इस वीडियो के अंदर एक्चुअल में जो मैं बात ये कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी लेंगे, इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, स्पेशली जो एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, उसके टोटल कीमत के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के नाम का, यानी वो कीमत या वो पैसे का हिस्सा जो उस प्रोडक्ट को अपने फाइनल डेस्टिनेशन, एक्सपोर्ट या कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगती है। जनरली अगर पूरे दुनिया में अंदर 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 रुपीज जो उसकी कीमत होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में ही खर्च होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि भारत के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे अगर प्रॉपर लॉजिस्टिक्स पार्क्स नहीं है, तो ये कीमत 13 से 15 रुपए तक चली जाती है, यानी 13-14% है भारत का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। और जब तक ये कम नहीं होता तब तक हमें यूज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग जो है होते हुए नजर नहीं आएगी, स्पेशली दुनिया भर के सबसे कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर। और इसके लिए जब इंडियन गवर्नमेंट ने चीजें जानना शुरू की थी तब 2016 के बाद में ये पॉलिसी आई थी कि लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना है देश के अंदर, और फिर हाईवेज, रेलवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इन जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्चुअल काम शुरू होने लगा। देश के कई अलग अलग जगहों पर ऐसे पार्क्स ऑलरेडी बन गए और गोवा के अंदर का ये भी पार्क था। अभी लॉजिस्टिक्स पार्क करते क्या है जरा उनके बारे में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस गोवा वाले पार्क की एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर अलग अलग डेस्टिनेशन से, आसपास के स्पेशली फैक्ट्रीज वगैरह से सामान भर भर के आता है। ये हब्स की तरह होते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं या सी पोर्ट्स होते हैं, वैसे ये लैंड पोर्ट्स होते हैं। और इन जगहों पे वेयरहाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और दूसरा सप्लाई चेन मैनेज करने वाला इंफ्रा होता है, जिसके कारण अगर कोई ट्रक यहाँ पे आता है और उसको अपना सामान कहीं दूर पहुंचाना है या फिर वहां पे उसको सामान जो है एक्सचेंज करना है, किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है जहां पे वो खुद प्रॉफिटेबली जा नहीं सकता लेकिन कोई और ट्रक वहां से जा रहा है जो प्रॉफिटेबली जा सकता है, तो वो सारी चीजें इस लॉजिस्टिक्स पार्क के अंदर होती है, जहां पर जो नीड है और जो सप्लाई है उन चीजों को मैच किया जाता है। अगर फीचर्स की बात करें कि किसी लॉजिस्टिक्स पार्क के अंदर होता क्या है तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज तो होती ही है, और ये अलग अलग तरीके की होती है। कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है, नॉर्मल वेयर हाउसिंग, ओपन वेयर हाउसेस भी हो सकते हैं जो सीधे आसमान के नीचे होते हैं, और अलग अलग बिजनेस के सबसे अलग अलग चीजें होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी लॉजिस्टिक्स पार्क का वो है यहाँ के लिंक्स, हाईवे, रेलवे कनेक्टिविटी, कभी कभी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, ये सब चीजें भी लॉजिस्टिक्स पार्क को काम करने में मदद करती है क्योंकि यही चीजों से सामान आता और जाता है। इसके बाद में आते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज जो जनरली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वैसे भी लोगों को यूज करने ही पड़ते हैं, जैसे कि पैकेजिंग, लेबलिंग, सॉर्टिंग, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और इनफैक्ट फाइनेंसिंग भी। जनरली ये जो लॉजिस्टिक्स पार्क्स होते हैं उनके अंदर हमें प्रॉपर लोडिंग डॉक्स, पार्किंग एरियाज, सिक्योरिटी सिस्टम्स, ऑफिस स्पेसेस, कॉन्फ्रेंस रूम और दूसरी एमिनिटीज देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण यहाँ के ऑपरेशन स्मूथली हो पाते हैं। एक बड़ा लॉजिस्टिक्स पार्क बनने के वजह से किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज है उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लॉजिस्टिक्स पार्क है गोवा का, यहाँ से हमें रो रो ट्रेन भी पास होते हुए नजर आती है, यानी रोल ऑन रोल ऑफ ट्रक्स। ये बेसिकली सामान से भरे हुए ट्रक्स है जो ट्रेन के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर
भी कैसे फायदा हो रहा है, जनरली जो ट्रक्स वगैरह होते हैं वो ज्यादा डीजल पिएंगे अगर वो अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं तो। एट द सेम टाइम टोल्स, रोड कंडीशंस, स्पेशली इस वाले रोड पे घाट्स वगैरह बहुत सारे हैं, इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए इनके लिए बेटर ऑप्शन ये निकल कर आता है कि ये अपनी ट्रक को ट्रेन के ऊपर चढ़ा दे, रेलवे से कुछ पैसा दे और रेलवे उनको जो है बिना किसी दिक्कत के अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। और ये चीजें भी लॉजिस्टिक्स के अंदर ही आती है और ये भारत के प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है और देश भर में कई ऐसे लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहे हैं। वीडियो खत्म हो उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। अगर आपकी किसी भी प्रोजेक्ट, लोकेशन या कोई भी दूसरे जगह का एरियल शूट करवाना चाहते हो तो अभी हमने वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू की है देश के हर कोने के अंदर। और अगर आप ऐसा ही कोई काम करवाना चाहते हो हमसे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म के जरिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको हम मार्केट में बेस्ट प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी के साथ में सर्विसेज देंगे। तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना ना भूले।